remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart if I got. सो हेलो गाइस, यू आर वाचिंग टोटल ऑटोमोबाइल। मेरा नाम है अंजनेय शर्मा। तो आज हमारे पास है सबसे अच्छी गाड़ी जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसका नाम है ह्यूंडई की ऑरा, जो कि एक सेडान गाड़ी है। तो सबसे पहले इसके फ्रंट की बात कर लें तो हमें फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। जस्ट इसके नीचे हमें प्रोजेक्टर फॉग लैम्प देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रंट में ग्रिल की बात कर लें, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है इसका, एक अलग सा डिज़ाइन दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ टायर साइज की बात कर लें तो 15 इंच के अलॉय व्हील, 16 इंच के, ये सारे वेरिएंट्स के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। और काफ़ी लुक काफ़ी अच्छा है गाड़ी का जैसा कि आप देख सकते हैं। और इधर अपने मिरर की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाला है। और ये हमारे पास जो मॉडल है टॉपेस्ट मॉडल है इसका, जो कि SX ऑप्शनल है। तो चलते हैं अब गाड़ी के सीधे अंदर। इसमें कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिल रहा है, जो कि टॉप मॉडल से स्टार्ट होगा। और अंदर की तरफ आ जाते हैं, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डोर की बात कर लेते हैं। तो डोर में कुछ फंक्शन दिए गए हैं अपने मिरर एडजस्ट करने के, लॉक अनलॉक जो कि सिल्वर में है, और ड्यूअल टोन में दिया गया है डोर। और साइड में हमें कुछ शीशे कंट्रोल करने के लिए दे रखे हैं। स्पीकर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बॉडी की। एंड यहाँ देख लें तो नीचे हमें एक स्पीकर मिल जाता है, चारों डोर्स पे चार स्पीकर और दो ट्विटर मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है इसका स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिजिटली भी है और क्लॉकवाइज भी है। और इस तरफ बात कर लेते हैं स्टेयरिंग में, तो स्टेयरिंग में कुछ माउंटेड बटन मिल जाते हैं और हमें क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात मिल जाती है। हमें क्रूज़ कंट्रोल है तो काफ़ी फ़ायदा होगा हमें हाईवे पे। और लेदर रैप्ड लगता है, एक सॉफ्ट टच दिया गया है पूरी स्टेयरिंग में, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, हमारा सिस्टम मिल जाता है और AC मिल जाती है, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। टॉप मॉडल है इसलिए हमें इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर हमें USB और फ़ोन चार्ज करने के लिए ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और हमारा 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है और इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन हैगा। और जस्ट इसके बगल में हम आ जाते हैं, मतलब बगल में ऊपर, तो यहाँ पे हमें मिरर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे लाइट कोई सी भी नहीं है। और इस तरफ देख लें तो एक लाइट हमें इस तरफ मिल जाती है और हमें माइक की एडजस्टमेंट मिल जाती है ऊपर की साइड। और जस्ट इसके बगल में हमें एक और वैनिटी दिख जाती है जिसमें कोई मिरर नहीं होगी। और ये रहा अपना रियर व्यू मिरर, जो कि मैनुअली है, इसमें कोई ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। डैशबोर्ड की बात करें तो 3 कलर में डैशबोर्ड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ लग्जीरियस फील देता है। और यहाँ अपना एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सब चीज़ें। ग्लोव बॉक्स की बात करें, काफ़ी अच्छा है, इसमें कूलिंग ग्लोव बॉक्स मिल जाता है और थोड़ा सा स्पेस ऊपर भी मिल जाता है जिसमें हम फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। सीट की कुशनिंग की बात कर लें, काफ़ी अच्छी है। अब चलते हैं सीधा बाहर, तो इस तरफ से भी बात कर लेते हैं। गाड़ी का लुक तो काफ़ी अच्छा है, डैशबोर्ड इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, जो कि आई कैचिंग चीज़ है, जो वो है इसकी डैशबोर्ड। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको अगर दो गाड़ी चूज़ करने को, दो ऑप्शन मिले गाड़ी के, जैसे कि एक डिज़ायर हो गया और एक ऑरा, तो आप कौन सी सबसे पहले ही चूज़ करोगे, किसको कितने में से कितने नंबर दोगे। तो मेरे को, तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी को 10 में से अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट तो मिलने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फीचर बहुत अच्छे हैं, लुक काफ़ी अच्छा। अब चलते हैं सीधा पीछे, तो पीछे की तरफ की बात कर लें तो डोर में नॉर्मल से ऑप्शन है, वही लॉक अनलॉक और एक स्पीकर और एक बोतल होल्डर और एक डॉक्यूमेंट होल्डर। तो अब देखते हैं अंदर की स्पेसिंग के बारे में, तो स्पेसिंग काफ़ी अच्छी है। अंदर एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर भी मिलते हैं। और एक चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी है, जो कि इसमें पीछे बैक में हेडरेस्ट भी दिया गया और पीछे AC के वेंट भी आपको मिल जाते हैं। तो इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है, पीछे AC वेंट मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा। और पीछे हमें एक लैंप भी देखने को मिल जाती है, जिसे हम रूम लैंप कहते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा, रात में अंधेरा नहीं लगेगा पीछे भी और आगे भी, तो दो के हिसाब से काफ़ी अच्छा। बाकी पीछे बैठने वालों के लिए लुक काफ़ी अच्छा आने वाला है, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे लुक वाइज गाड़ी में बहुत मज़ा आएगा और इन्जॉय करेंगे लॉन्ग ड्राइव। और इधर हमें कुछ हैंडल देखने को मिल जाते हैं, ताकि आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो हैंडल आपके काम आएगा। तो इधर पीछे के टायर की बात कर लेते हैं, डम्प ब्रेक में आने वाला है, आगे हमें डिस्क मिल जाती है, पीछे हमें डम्प मिल जाता है। और अब सीधा बात करते हैं पीछे की टेल लाइट की, तो टेल लाइट काफ़ी अट्रैक्टिव लगी मुझे, इसमें जेड शेप में टेल लाइट दी गई है, जिसके अंदर हमें बैक लाइट, टर्न इंडिकेटर और
स्टॉप लाइट, ये तीनों चीज आएंगी। ऑरा काफी अच्छी तरह लिखा गया, बहुत स्पेसिंग के साथ, बीच में हुंडई दिख जाती है हमें, और इधर हमें कुछ पार्किंग सेंसर दिख जाते हैं, और हमारा बैक पार्किंग कैमरा, तो काफी अच्छा लगा मुझे। और पीछे कुछ क्रोम में लाइनिंग सी दी गई है, काफी अच्छी लग रही है देखने में। और ऊपर की बात करें तो हमें इसमें रियर डिफॉगर मिल जाते हैं देखने को, काफी अच्छा। एक चीज और प्लस हो जाता है इसमें कि हमें इसमें एक वाइपर और मिल जाता है, तो काफी अच्छा लगता, बट कोई नहीं, ठीक है। एंड करते हैं अब बूट को बंद, बंद नहीं करेंगे, अब खोलेंगे। तो हमें बूट स्पेस है हमारे पे 402 लीटर का, काफ़ी गहरा है, काफ़ी ज़्यादा सामान आने वाला है इसमें, और आपको इसी में ही आपकी स्टेपनी और जैक वगैरह मिल जाएंगे। और ये टायर हमें नॉर्मल मिलते हैं रिम वाले, तो अब बंद कर लेते हैं सीधा अपने बूट स्पेस को। तो बूट स्पेस हो गया बंद। तो अब आगे की बात कर लें, हमें फ्रंट में ऑटो सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा है, गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी मुझे देखने में। अब बात कर लेते हैं सीधा प्राइसिंग की, कि बात कर लें हमने फीचर्स की, स्पेसिफिकेशन की, अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की और वेरिएंट्स की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्स शोरूम प्राइस की ऑल वेरिएंट के हिसाब से। तो बात कर लेते हैं वेरिएंट की, तो वेरिएंट इसमें बहुत सारे आने वाले हैं। एक डीजल हो गया, सेकंड पेट्रोल, फिर थर्ड आता है हमारा सीएनजी। तो सबसे पहले मैं डीजल वेरिएंट की बात कर लूँ, तो इसके बेस मॉडल स्टार्ट होता है जो कि एस मॉडल है 7,73,800 से। फिर इसके बाद हमें मिड मॉडल मिलेगा एस एएमटी डीजल में, जिसका प्राइस है 8,23,700 रुपये। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास टॉप मॉडल जो कि है एस एक्स ऑप्शनल, जो कि डीजल में इसका एक्स शोरूम प्राइस है 9,03,800 रुपये। फिर इसके बाद हमें ऑप्शनल मिलता है जो कि डीजल में है एस एक्स प्लस ऑप्शनल ऑटोमेटिक, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली के हिसाब से 9,42,700 रुपये। बात करते हैं पेट्रोल की, तो हमें पेट्रोल में एस बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली के हिसाब से 6,55,900 रुपये। फिर इसके बाद हमें मिड मॉडल मिलेगा जो कि एस एक्स मॉडल है, जिसका प्राइस है एक्स शोरूम के हिसाब से 7,29,900 रुपये। इसके बाद हमारे पास आएगा एस एक्स ऑप्शनल, जो कि हमें एक्स शोरूम प्राइस आएगा उसकी 7,85,900 रुपये। फिर इसके बाद हमें टॉप मॉडल आता है जो कि एस एक्स प्लस एएमटी, जिसका ऑन रोड प्राइस एक्स शोरूम प्राइस होगा 8,04,800। फिर इसके बाद हमें एक मॉडल और मिल जाता है इसमें पेट्रोल में, एस एक्स प्लस टर्बो, जिसका प्राइस एक्स शोरूम के हिसाब से आएगा 8,54,900 रुपये। फिर इसके बाद हमें एक आखिरी वेरियंट मिलता है जो कि सीएनजी है, एस सीएनजी बेस मॉडल मिल जाता है हमें एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 7,29,900 रुपये। तो आपने वेरिएंट, आपको वेरिएंट के बारे में पता चल गया, प्राइस मैंने आपको बता दी जो कि एक्स शोरूम दिल्ली बताई है। तो अब आपको काम ये करना है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, और नीचे कमेंट करना है अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह गए हो जो कि मैंने ना बताया हो, तो जल्दी से कमेंट कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी कंपैरिजन वाली, जो कि है डिज़ायर और ऑरा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something.